हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, दिल्ली पुलिस के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि दिल्ली पुलिस की जो एमटीएस की वैकेंसी सर वो कब आ रही है। तो बच्चों, आपकी जो है ये जो आपने आरटीआई वगैरह लगाई थी, बहुत ज़्यादा आरटीआई लगी थी, आपको पता होगा, और उन्होंने आरटीआई का बहुत ज़्यादा जवाब भी दिया था, लेकिन अब जो है वैकेंसी का रास्ता आपका साफ हो चुका है, आपकी वैकेंसी आ चुकी है। बहुत जल्द आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सारी बात करने वाला हूँ, कितनी वैकेंसी आने वाली है आपकी। देखिए, यहाँ पे ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, लगभग 840 वैकेंसी टोटल यहाँ पे हैं, यानी 840 वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। ये ऑलरेडी पहले भी इन्होंने बताया था, लेकिन अब इन्होंने कंप्लीट करके यहाँ पे दे दिया है कि ये वैकेंसी हमने एसएससी को दे दी है, और एसएससी इसमें आपको बता पाएगी कि कब इनके फॉर्म आएंगे। यहाँ पे टोटल चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए बच्चों। तो बच्चों देखिए, इसमें अलग अलग नेम ऑफ पोस्ट हैं आपका। यहाँ पे आपका जो है सफाई कर्मचारी का भी पोस्ट है, यहाँ पे आपकी कुक की है, जैसे वाटर कैरियर की है आपकी, और यहाँ पे ये मोची की आपकी वैकेंसी है यहाँ पे, और आपका माली की है आपकी, टेलर की है आपकी, धोबी की है यहाँ पे, कारपेंटर की आपकी है, और आपकी बार्बर की यहाँ पे है। यानी टोटल वैकेंसी आपके यहाँ पे लगभग 9 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें वैकेंसी आपकी आनी है, और इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग भी दी है। यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं जनरल की वैकेंसी तो यहाँ पे 420 है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे इतनी है, और ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 253 है, और अगर एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, और टोटल की बात करते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं अलग अलग, यहाँ पे बताई गई है किसकी वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया है। तो अलग अलग यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वैकेंसी आपकी अपकमिंग है, यानी ये बहुत जल्द आपकी आने वाली है बच्चों। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक लेटर देखिए जारी किया गया था, इसमें टोटल चीज़ें इन्होंने बताई हैं आरटीआई का जवाब में, और इन्होंने ये भी बता दिया है कि कब से आपके फॉर्म जो है आने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने जो है ये पूरी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी है कि ये वैकेंसी आपकी जो है अब बहुत जल्द आने वाली है। यहाँ पे ये भी बताया इन्होंने कि एसएससी को हमने इसका जो है ये भेज दिया है लेटर, और बहुत जल्द इसे एसएससी अपने कैलेंडर में जो है शामिल कर लेगी, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर एज लिमिट क्या होगी, तो 18 से 27 वर्ष आपकी एज लिमिट होगी बच्चा, जिसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट इन्होंने ऑलरेडी इसमें बताई गया है, यानी वही प्रोसेस आपका रहने वाला है। बात करते हैं योग्यता की, यानी कि आपको शिक्षक योग्यता क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो 10th पास चाहिए बच्चे इसमें। अगर आपके पास अदरवाइज 12th है, या आप ग्रेजुएशन है, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का कोई भी आपका है, तो इसे भर सकते हैं आप। इसमें सिंपली 10th पास यहाँ पे मांगी गई है बच्चा। बच्चा एक चीज यहाँ पे और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे 1/8/2024 से यहाँ पे उम्र मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी, अभी ये कंफर्म नहीं है, जैसे ही फॉर्म आएंगे तभी पता चल पाएगा, क्योंकि आरटीआई में उन्होंने बताया है कि या तो 1/8/2024 से हम उम्र मांगेंगे, या 1 जनवरी से यहाँ पे उम्र मांगी जाएगी। तो 1 जनवरी 2024 से भी यहाँ उम्र मांगी जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको पता होगा 1 जुलाई या 1/7 या 1/8 से यहाँ पे आपकी जो है एज मांगी जाएगी कि इसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ, बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं बाद में। तो एग्जाम आपका एग्जाम होगा इसमें पहला, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तीन इसमें तीन आपके अलग अलग ये हैं, यानी कि तीन अलग अलग टाइप हैं जिसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एग्जाम में बात करता हूँ तो मैं सीबीटी आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके 50 नंबर जो है जनरल नॉलेज के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, और 25 क्वेश्चन ही आपके मैथमेटिक्स के आएंगे, जिनमें से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका ये जो है पेपर होने वाला है। टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको 90 मिनट यानी 90 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की, तो यहाँ पे 20 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है बच्चों, और ट्रेड टेस्ट में 50% लाने आपके अनिवार्य हैं, यानी ट्रेड टेस्ट में 10 नंबर आपको चाहिए चाहिए। यदि आप 10 नंबर नहीं लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी 20 में से 10 नंबर तो आपको लेकर ही आने हैं, ये यहाँ पे क्राइटेरिया है, ये आपको पास करना ही पड़ेगा। बात करते हैं डीवी की, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो मैंने ये पूरी चीज़ें आपको समझाई है, जिससे कि आपके एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए हों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।